गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम। मेरा मकान भी बड़ा होना चाहिए, एक ही चीज है सुखी होने के लिए। एक ही नियम, एक बात तुमको बता रहा हूं, जब महिलाओं के मन में ये बात आ जाए कि उसका मकान बड़ा और मेरा मकान छोटा, जब ऐसी सोच लाओगी तो तुम दुखी हो जाओगी। एक बात याद रखना, कभी अपने मकान को देखना और कभी फुटपाथ पर लेटे हुए व्यक्ति को देखना, तुम्हें लगेगा भगवान ने हमें बहुत कुछ प्रदान किया है, इससे ज्यादा हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। फुटपाथ पर जिंदगी गुजरती है, चार दीवार एक छत भी नहीं है, ऐसे लोग इस धरती पर जीते हैं। अपने पास कम से कम एक मकान तो दिया है, धन्यवाद दो भगवान को। 24 घंटे शिकायतों से मत भरिए, धन्यवाद देने की कला सीखिए। मंदिर जाओगे शिकायत को लेकर जाओगे तो दुखी होकर लौटोगे, और अहो भाग्य लेकर जाओगे तो आनंद का प्रसाद लेकर वापिस आओगे। बहुत कुछ तो दिया है परमात्मा, 24 घंटे शिकायत, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। जो है उसमें सुखी रहने का प्रयास करिए मेरे भाई। सेठ दुखी था, बहुत दुखी था बेचारा। एक बार उसे कोई व्यक्ति मिल गया, उसका मित्र मिल गया। उसके मित्र ने कहा कि सेठ जी ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। सेठ ने कहा यार बहुत दवाई ली, कोई फायदा ही नहीं होता है। अरे ये क्या हाल है, कल तक बड़ी शान थी, आज सिर लटकाए घूम रहे हो, सूख के कांटा हो गए, कुछ ले लो। सेठ ने कहा सब ले लिया। बोले पागल बीमारी क्या है तुझे। बोले रिपोर्ट सब नॉर्मल है, तो ये हाल क्या है। ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे पिलाओ हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। बाहर एक एड आता था हमारे जमाने में टीवी पे, सिंकारा पीता था वो कांच फोड़ के प्रकट हो जाया करता था। मैंने कहा बाहर एक ढक्कन में कांच फोड़ दिया, पूरी बोतल पी ले तो ये दुनिया हिला के रख देगा। विचार कर सेठ से कहा कुछ ले लो सेठ। सेठ ने कहा बहुत सा इलाज कराया यार, कुछ फायदा ही नहीं होता है। उस आदमी ने सलाह दी, मैं तेरा दोस्त हूं सेठ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती, एक काम कर, अपने नगर में एक संत पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, जा उनसे इलाज करा ले। अरे सेठ ने कहा पागल हो गए, तेरा दिमाग खराब है, ये साधु संत भी इलाज करेंगे तो बारामती के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे, मेडिकलों में ताला लग जाए, ये साधु बाबा क्या करेंगे। बोले चला जा सेठ मेरा। अरे बोले मैं नहीं जाता, मेरा कोई विश्वास नहीं है साधु संतों पर। बोले विश्वास हो या ना हो एक बार उनके पास तू। सेठ ने कहा यार ये महाराज लोग क्या कर देंगे। बोले यार चला जा, ध्यान रखना, संत आपको कुछ दे या ना दे ध्यान रखिए, संतों के पास जाने से आपको कोई लाभ ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं आपको कोई हानि भी होने वाली नहीं है। संत आपको कुछ देगा नहीं तो संत आपसे कुछ लेने वाला भी। ऐसा करो सेठ चले जाओ, नुकसान क्या है, फायदा हो या ना हो, साधुओं के पास जाने में नुकसान कौन सा है, जाके अपनी व्यथा बताना। बोले यार तू कहता है तो मरता क्या नहीं करता, चला जाता हूं। चला गया वो संत के पास, सुबह सुबह उठ करके, दूर गांव के बाहर झोपड़ी बनी थी, क्या देखता है झोपड़ी के बाहर एक 5 साल की बालिका आंगन में झाड़ू लगा रही है। सेठ पहुंचा, सेठ ने कहा बेटे अम्मा कहां है। संत के पास गया, संत ने कहा सेठ जी क्या बात है, क्या दिक्कत है। रोने लगा सेठ। संत ने कहा रोते क्यों हो,
तुम्हारे पास तो सब है। बोले सब है महाराज, लेकिन बहुत दुखी हूं मैं। अरे सब होने के बाद दुखी हो? बोले बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ित हूं मैं। क्या हुआ सेठ, तेरे बच्चे नहीं है? अरे बच्चे हैं महाराज। कहां बच्चे अच्छे में फंसा रहे हो मुझे? तो फिर किस बात का दुख है? बीवी खराब है? अरे बीवी तो सीता की तरह है, ऐसी बीवी किसी को मिलती? अरे बीवी तेरी सीता जैसी, बच्चे तेरे पास हैं, बच्चे तेरा कहना नहीं मानते। अरे महाराज कहने की बात तो छोड़ो, इस कलयुग में भी राम लक्ष्मण की तरह हैं, कोई बात जुबान पे लाता हूं और जुबान पे आने से पहले बच्चे उसे पूरा। बोले बच्चे अच्छे सेठ, कोई व्यापार में अरे घाटा वाटा कुछ नहीं लगा है? तो फिर क्यों रो रहा है? बोल सेठ किसी ने तेरा अपमान किया? अरे बोले पूरे गांव में किसी की ताकत नहीं मेरा अपमान कर दे। नौकर भाग गए? अरे बीसियों नौकर है महाराज मेरे पास। संत ने कहा जब तेरी बीवी अच्छी, बच्चे अच्छे, बहुएं खराब है? अरे नहीं, इतनी अच्छी तो बेटियां नहीं होती जितनी अच्छी मेरी बहुएं हैं। अरे सेठ बहु अच्छी, बीवी अच्छी, बेटा अच्छा, दुकान चल रही है, फिर अब किस बात का टेंशन है? बोले एक बीमारी है महाराज, इलाज नहीं हो रहा कुछ है। संत ने कहा क्या इलाज है? बीमारी बता पहले। बोले महाराज यूं तो भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक टेंशन मेरे मन में है। क्या? बोल सेठ क्या बात है? सेठ ने कहा कि महाराज एक चिंता सता रही है। क्या चिंता है तुझे? सेठ को और चिंता? गरीब चिंता करे तो बात बनती है सेठ, तेरे पास तो सब कुछ है। अरे कुछ नहीं है महाराज, कहने को तो सब कुछ है मगर हकीकत में देखो तो मेरे पास कुछ। सेठ क्या बात है? बोले महाराज संत जी एक पीड़ा मेरे मन में है, मैंने मुनीमों से पूछा मेरे पास कितनी दौलत है, तो कितनी है सेठ जी? बोले इतनी है, मैं तो क्या मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं तो कम पड़ने वाली। तो अब चिंता किस बात की है? अब चिंता तो यहीं से शुरू हो रही है महाराज। बोले क्या? बोले मेरे बच्चों के बच्चों का। अरे संत ने कहा पागल सामान, 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, इतना सोचता है सेठ। बोले महाराज देखो ये ज्ञान व्यान बांटने की जरूरत नहीं है, मैं भी जानता हूं, लेकिन ये बताओ मेरी समस्या का समाधान हो। जब से ये चिंता लगी है किसी काम में मन नहीं लगता महाराज, ना खाने में, ना पीने में, ना दुकान जाने में, जिंदगी ऐसी घबराहट हुई लगती है, मौत से डर लगता है कि वो आ गई तो मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ भी। संत ने कहा चिंता मत कर, एक काम कर, तेरी इस बीमारी का हल मेरे पास है। बोले हल है? बोले हाँ। समय हो रहा है आपका 5 मिनट में 10 बजने वाले, समाप्त करूंगा। बोले हल है मेरे पास। बोले क्या? बोले तेरे गांव के बाहर एक झोपड़ी है। सेठ ने कहा हाँ एक झोपड़ी तो है। बोले उसमें एक बुढ़िया रहती है। बोले हाँ उसमें एक बुढ़िया रहती है। बोले सेठ एक काम करना, एक थाली भोजन कल सुबह बुढ़िया को दे देना, एक थाली भोजन, तेरी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाएगी एक थाली भोजन में। महाराज किसी तीर्थ पे कमरा अमरा बनवाना है तो बोलो मैं बनवा दूंगा। अरे नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, कमरा अमरा नहीं चाहिए, कोई मूर्ति उर्ति रखवाना हो तो वो कर दूं। अरे सेठ छोड़िए सब बातें, एक थाली भोजन दे। बोले यार इतनी बड़ी बीमारी का इलाज एक थाली भोजन? बोले तू जा मुझ पे विश्वास रख, दे देगा या नहीं? सेठ ने कहा मैं तो 1000 थाली दे सकता। बोले नहीं एक थाली भोजन देना बस। सुबह उठा सेठ, घर गया, सुबह उठा सोने की थाली में भोजन लगाया, प्रातः काल निकल पड़ा अपने घर से पैदल पैदल बुढ़िया की झोपड़ी में। वहां क्या देखता है? 5 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही है। सेठ ने कहा बेटी अम्मा कहाँ है? उसने कहा आप कौन? बोले मैं नगर सेठ, सबसे धनी आदमी इस गांव का। बैठो, बैठने का समय नहीं बेटा, दुकान खोलना है,
बच्ची ने देखा यार 80 साल का दुकान नहीं छूट रही इससे। बच्ची ने कहा एक काम करो सेठ जी, थोड़ा इंतजार करो। बोले अरे बेटा मेरे घर में अच्छे अच्छे इंतजार करते हैं, और तू कह रही इंतजार करो। बोले सेठ जी जाना है तो जाओ। अरे सेठ को बड़ा धक्का लगा, 1-5 साल की बच्ची कह रही जाना है तो जाओ। बोले अम्मा को बुला। बोले मेरी अम्मा भगवान का भजन कर रही है, कीर्तन कर रही। अरे बोले जाओ अम्मा से बोलो कि नगर सेठ आए हैं। बोले मेरी अम्मा ने कहा है कि ध्यान रखना जब मैं भजन करूं तो रामनाथ कोविंद भी आ जाए, है तो मुझे उठाना मत, ध्यान रखना मुझे कोई डिस्टर्ब, मोदी भी आ जाए तो भी मत उठाना, जब तक मेरा भजन पूरा ना हो जाए लकरने दो लोगों का इंतजार। सेठ को लगा कि यार ऐसा कैसा भजन कर रही है भगवान का। सेठ ने कहा भाई महाराज ने कहा थोड़ा इंतजार करूं, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। सेठ पसीना पसीना हो गया। सेठ ने कहा बेटा अब तो बुला दे, कितनी देर पूजा करेगी तेरी अम्मा। बोले सेठ जी मेरी अम्मा घड़ी देख के पूजा नहीं करती है, जब तक मन लगेगी करती रहेगी। अरे बोले 1 घंटे 2 घंटे। अरे सेठ जी इंतजार करो, मेरी अम्मा का यदि पूजा में मन लग गया तो पूरा दिन भी लग जाए तो उसे कोई परवाह नहीं हुआ, पूरे दिन पूजा करेगी। बोले हाँ। अरे बुढ़िया मेरा सत्यानाश करने पे तुली है, वहां तो पूजा चल रही, वहां दुकान का क्या होगा। तो बालिका ने कहा सेठ जी इंतजार करो, देखो 12 बज गए। सेठ ने कहा बेटा कुछ अप्रोच लगाओ, अम्मा को बुलाओ। बोले अम्मा तो आज लग रहा है कि पूरी पूजा करके आएगी शाम तक। अरे सेठ ने कहा सत्यानाश इस बुढ़िया का, जैसे तैसे तो मैं आया इसकी झोपड़ी में, ये पूजा करने बैठ गई। खूब इंतजार किया, 1 बज गए। सेठ ने कहा बेटा इधर आओ, ये अम्मा नहीं आ रही, अब मैं जा रहा हूं, अब मेरे सब्र का बांध टूट गया, ये 1 थाली भोजन तुम ले लो। तो बच्ची ने कहा भोजन क्यों? बोले अम्मा को सब भोजन दे जाते हैं। बोले कि सेठ जी भोजन वापिस ले जाओ, वापिस ले जाओ। पहली बार सेठ को किसी ने लौटाया, ये भोजन वापिस ले जाओ। बोले क्यों बेटा, क्या भोजन नहीं करोगी? बोले हमारे यहां भोजन आ चुका है। आ चुका है? कौन दे गया? बोले एक ब्राह्मण दे गया है। क्या दे गया? बोले केले के पत्ते में दही भात दे गया है। अरे बेटा उसको एक तरफ फेंक, गाय को डाल, देख सोने की थाली में 56 भोग लेकर आया हूं, ले अपनी अम्मा को खिलाना और तू भी खाना। उस बच्ची ने कहा मेरी अम्मा ने कहा है, मेरी अम्मा ने सिखाया है कि बेटा अपने यहां भोजन आ जाए तो फिर अपन दोबारा भोजन नहीं लिया करते हैं। सेठ जी आप लेट हो गए, ये भोजन हम स्वीकार नहीं करेंगे, वापिस ले जाइए ये भोजन। सेठ की आत्मा को धक्का लगा कि दही भात खाने को तैयार है केले के पत्ते में, लेकिन मेरी सोने की थाली का भोजन नहीं कर रही है। बालिका ने कहा ले जाओ सेठ जी, ले जाओ वापिस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए भोजन। बोले बेटा एक काम कर, रख ले कल खा लेना। बच्ची ने कहा कल खा लूंगी? हाँ। बोले नहीं सेठ जी वापिस ले जाओ भोजन, मेरी अम्मा ने मुझे बताया है हम कल की चिंता नहीं किया करते हैं, हम आज में ही अपनी जिंदगी जिया कर, हमें कल की कोई परवाह नहीं है। बेटा कल नहीं आया ब्राह्मण भोजन देने तो? बोले नहीं सेठ जी, ध्यान रखना ये भगवान की बनाई प्रकृति है, हम कल की चिंता नहीं करते। अरे जो चोंच देता है वो दाना भी देता है, और जो प्यास देता है वो पानी भी दिया करता है, हमें कल की कोई परवाह नहीं है। माँ की गोद में आते ही बच्चा माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था खुद करके लाता है, उसे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। हम कल की चिंता नहीं करते। सेठ के दिमाग में बिजली कौन थी? उसने कहा ये 5 साल की बच्ची कह रही है कि हम कल की चिंता नहीं करते, और मैं 80 साल का कह रहा हूं मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। हाथ से थाली छूट गई सेठ की। उसने कहा मैं कैसा पागल,
जो बच्चों के बच्चों की परवाह कर रहा हूं, वो दही भात लेके बच्ची कह रही है कि हम कल की चिंता नहीं करते। सेठ को जिंदगी समझ में आई, ध्यान रखना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। प्यास बुझती है दो बूंद पानी से, हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, मेरी कहानी का सेठ तो सुधर गया। बारामती के सेठो तुम्हारा क्या होगा? ध्यान रखिए, कल की चिंता मत करिए मान्यवर, छोटी सी जिंदगी है। कोई कहता है हम सोने के महल बनवाएंगे, कोई कहता है हम शहंशाह बन जाएंगे, मगर ये ना समझा आदमी की जीवन की औकात क्या है। चार दिन जीवन की बस इतनी ही औकात है, चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, इसके अलावा जीवन क्या हुआ करता है। मान्यवर, जो आज है उसमें आनंदित रहो, जो मिल रहा है उसमें सुखी रहो, कल के पीछे पागल मत बनिए। मान्यवर, आज के प्रवचन की दो तीन बातें याद रखने जैसी हैं, सारा प्रवचन याद रखने जैसा नहीं है, दो तीन बातें याद रखिए। पहली बात कि तन के पेट को भरना आसान है, लेकिन मन के पेट को भरना बहुत कठिन काम हुआ करता है। दूसरी बात याद रखना कि सब मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगाओ, तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। और अंतिम बात तुम्हें याद रखना है कि जो हमारे पास है उसमें सुखी रहो, जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे पागल बनने की जरूरत नहीं है। तीन बातें याद रखी आज के प्रवचन की, आपके जीवन में बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। 10:03 हो गए मेरी घड़ी में, अपनी बात को विश्राम देता हूं। कल सुबह 8:30 पुनः आप उपस्थित हों। जूझ रहा है आदमी एक समस्या से, और वह समस्या है क्रोध की समस्या। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।